हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 वही दूसरी तरफ पोको का F5, इन दोनों स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात करी जाए तो गैलेक्सी के S21 FE 2023 को 32,999 रुपये की प्राइस में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ पोको के F5 को 2,999 रुपए की प्राइस में 8 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 9,000 रुपीस का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 9,000 रुपीस ज्यादा खर्च करके सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 को लेना सही रहेगा या फिर 9,000 रुपीस कम खर्च करके पोको के F5 को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वैसे तो पोको के F5 का प्राइस 9,000 रुपीस का है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो गैलेक्सी के S21 FE 2023 से काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। क्योंकि एक तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ पोको के F5 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+Gen2 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से क्लियर विनर निकल के आता है पोको का F5। क्योंकि पोको के F5 का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है वो 9,43,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है वो 6,81,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो पोको के F5 को जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 7,300 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो सिर्फ 4,900 निकल के आता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, काफी कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है पोको का F5। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी के मामले में तो बेटर हो जाता है गैलेक्सी का S21 FE 2023, क्योंकि गैलेक्सी के S21 FE 2023 में 6.4 इंच की डायनेमिक एमोलेड 2X वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 में 6.67 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो कि प्राइस रेंज को अगर देखा जाए तो अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के प्राइमरी मेगापिक्सल में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। एक तरफ पोको के F5 के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 के भी बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 12 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 12+8 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में तो क्लियर विनर निकल के आता है गैलेक्सी के S21 FE 5G, क्योंकि गैलेक्सी के S21 FE 5G में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.2 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ पोको के F5 में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 9,000 रुपीस का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर दोनों स्मार्टफोन UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो प्राइस में इतना डिफरेंट होने के बावजूद दोनों स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो पोको के F5 में 3.5 mm जैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि गैलेक्सी के S21
2023 में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी खासकर बैटरी बैकअप के मामले में काफी ज्यादा बेटर हो जाता है पोको का F5, क्योंकि पोको के F5 में 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 67W के टर्बो चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 में 4500mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है, 25W के फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए पोको के F5 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के S21 FE 2023 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी स्मार्टफोन से गेमिंग करना काफी ज्यादा पसंद करते हो, एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, एक OIS वाले कैमरा सेटअप के साथ, तो आप लोगों को डेफिनेटली पोको के F5 की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग स्मार्टफोन से गेमिंग इतनी ज्यादा नहीं करते, एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले के साथ और बैटरी बैकअप से कंप्रोमाइज कर सकते हो, तो आप लोगों को गैलेक्सी के S21 FE 2023 की तरफ जाना चाहिए। वैसे तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 9000 रुपीस कम खर्च करके पोको के F5 को ही बाई करें, क्योंकि कम से कम प्राइस पोको का F5 बेस्ट वैल्यू फॉर स्मार्टफोन है।